इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसेट हैदराबाद को भारत में वाटरशेड कार्यक्रमों का विस्तृत मूल्यांकन नामक स्टडी सौंपी गई थी। इस अध्ययन में अधिक विश्वसनीय और वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए 636 माइक्रोस्तरीय अध्ययनों की सहायता से वाटरशेड कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ साथ यह पाया गया है कि वाटरशेड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण 1.1 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मृदा क्षति रोकी गई। वाटरशेड कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप 500 हेक्टेयर वाटरशेड में लगभग 38 हेक्टेयर मीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता का सृजन हुआ। सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में 52% की वृद्धि हुई, जबकि फसल सघनता में 35.5% की वृद्धि हुई। अधिक आय वाले क्षेत्रों की तुलना में कम आय वाले क्षेत्रों में वाटरशेड कार्यक्रमों के लाभ अधिक हुए हैं और इसके अलावा उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से यह लाभ 700 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक हुआ है। अधिकांश वाटरशेड कार्यक्रम लघु तथा सीमांत किसानों, महिलाओं तथा भूमिहीन श्रमिकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील नहीं थे और उन्हें वाटरशेड संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। वाटरशेड कार्यक्रमों में विद्यमान लाभों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था यानी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की कमी थी। वाटरशेड कार्यक्रमों की सफलता में लोगों की भागीदारी की निर्णायक भूमिका है। उन क्षेत्रों में वाटरशेड कार्यक्रमों का लाभ लागत अनुपात बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अधिक था, जहां लोगों की भागीदारी अधिक थी। 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले मैक्रो वाटरशेड 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले माइक्रो वाटरशेड की तुलना में बेहतर कार्य करता है। ये आशा है कि IWMP में शामिल की गई कई नई विशेषताओं के कारण यह कार्यक्रम रेनफेड क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही कई समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित रूप से एक प्रभावी साधन होगा और रेनफेड डिग्रेडेड क्षेत्रों में कृषि विकास तथा ग्रामीण विकास के लिए सक्षम प्रक्रिया साबित होगा।